यहाँ से रुक जाएगा, यहाँ से हमारा खाली ज्यादा होगी तो हम आपको रोक देंगे, समझ के बात करेंगे। लंबी वीडियो, देश मेरा, वोट मेरा, मुद्दा मेरा, वोट है ताकत और वोट से ही ताकत होता है लोकतंत्र, और वोट से हमको बनाना है अपने देश को मजबूत। इसको लेकर आज बहादुरपुर चौराहे पर नवीन मंडी स्थल जायस बहादुरपुर चौराहे पर यहाँ के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के अपने मुद्दे तय किए। पहला मुद्दा है बेरोजगारी। आइए सर, पिंकी सिंह के द्वारा ये मुद्दा सुझाया गया, आप बताएं कि बेरोजगारी कैसा, क्या है आपके समझ में, कैसी बेरोजगारी है? बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, युवा परेशान है, न बैंक से आर्थिक उसको मिल रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे कि मुद्रा योजना हमने चालू की है, वो मुद्रा योजना जो हमारे तक जहां तक नॉलेज में है वो खाली सिर्फ जो रोजगार थे, दुकानदार थे, रोजगार ऑलरेडी पहले से थे, उन्हीं को मुद्रा योजना का लाभ दिया गया, ना कि किसी पढ़े लिखे बेरोजगार को वो मुद्रा योजना का लाभ दिया गया। ये सारी बैंकों ने ऐसा किया। आपका खाली मतलब ये है कि जो 4 करोड़ सरकार कह रही कि हमने 4 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से रोजगार दिया, आपका कहना यह है कि जो लोग पहले से रोजगार स्थापित किए थे उन्हीं को दिया, नए बेरोजगारों को नहीं दिया। इस बहादुरपुर चौराहे पे कोई भी ऐसा सख्त हो तो वो आए सामने, जवाब दे कि हाँ हमको मुद्रा योजना का लाभ मिला। जी मनीष सिंह भी अपना पक्ष इस रोजगार के मुद्दे पर रखेंगे कि 2019 का जो चुनाव है, आम लोकसभा चुनाव, इसमें बेरोजगारी एक मुद्दा होना चाहिए। जी देखिए, पहले बेरोजगारी का जहां तक बात है, बेरोजगारी के बारे में सरकार बातें नहीं करना चाहती। जी वो तो मंदिर मस्जिद और 2000-5000 के बारे में बात करना चाहती है, उससे हमारे देश की बेरोजगारी पहली चीज नहीं खत्म होगी। जी दूसरी चीज रही बेरोजगारी की बात, जैसे भैया ने बताया कि हमें नहीं लगता कि दूर दूर तक, जैसे आपने कहा कि हर छठवें घर में मुद्रा योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए। सरकार के कहने के हिसाब से 25 करोड़ परिवार है और 4 करोड़ लोगों को अगर लोन मिला है तो हर छठे परिवार में एक आदमी को मुद्रा लोन से रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैंने देखा है, हर 100वें घर में मुद्रा योजना का लाभ आज सरकार ने नहीं पहुँचाया। कहां गया ये? या तो सरकार झूठ बोल रही है या बैंक द्वारा जो है किसी फ्रॉड आदमी को, किसी डिफॉल्टर आदमी को इस योजना का लाभ दिया गया। थैंक यू। अब दूसरा मुद्दा यहाँ पर आया, असमानता। आइए, आनंद जी ने यह असमानता का मुद्दा उठाया है कि 2019 के चुनाव में असमानता भी मुद्दा होना चाहिए। आप असमानता को कैसे देखते हैं? असमानता को हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे चतुश्रेणी कर्मचारी है तो उसको महंगाई भत्ता 12,000 रुपया मिलता है, और क्लर्क है तो उसको 18,000 मिलता है, डीएम है तो उसको 50,000 लाख रुपया वेतन महंगाई भत्ता मिलता है। तो इस असमानता को हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर देश में वास्तविक रूप से अगर महंगाई है तो वो सबके लिए होना चाहिए, किसानों के लिए भी होना चाहिए, मजदूरों के लिए भी होना चाहिए, और देश में एक समान महंगाई भत्ता देना चाहिए हर व्यक्ति को। आर्थिक असमानता दूर होनी चाहिए। हाँ, आर्थिक असमानता दूर होनी चाहिए। बहादुरपुर चौराहे का जो तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पिछले 2 साल से, क्या कई सालों से, 2004 से सारे भारत के किसानों के किसान आंदोलनों के विमर्श में है। शिवराम जी ने ये बात अपनी कही कि जो हमारा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, आगे 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 कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमको गारंटी मिलनी चाहिए। तो आप बताएं कि आप अपने मुद्दे को कैसे समझाना चाहेंगे सरकार को या राजनीतिक पार्टियों को? जैसे हम लोग किसान लोग गल्ला ले आते हैं मंडी में, जी तो एमएसपी का मतलब ये हुआ कि जो सरकारी क्रय केंद्र पे बेचा जाता है उसमें तो एमएसपी लागू होती है, लेकिन जो बाहर के दुकानदार हैं जो मंडी में लाइसेंस लिए हुए हैं उनके ऊपर वो बात नहीं लागू होती। मतलब केवल सरकारी क्रय केंद्र पर आपका एमएसपी पे गल्ला बिकता है, बाहर बेचते तो उससे कम रेट पर मिलता है। वहाँ होता क्या है, वहाँ लाइन लगी रहती है, हमको जरूरत है अभी पैसे की, पैसा नहीं मिल पाता तो हम मजबूर होकर के तो बनिया के हाथ दूसरा देते हैं, और वहाँ हमको जैसे एमएसपी से बहुत नीचे
घाटे पर आपको अपनी फसल बेचनी पड़ती है तो सरकार को गारंटी देनी चाहिए कि आपका मूल्य कम मूल्य पर ना बिके। जो दुकानदार मंडी के अंदर हैं उनके ऊपर भी एमएसपी लागू होनी चाहिए, सरकारी रेट से कम आपका कहीं ना बिके और अगर बिकता है तो उसको दंड किया जाए, उसकी जवाबदेही दुकानदार को होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने भी कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य को अपना मुद्दा बनाने की, राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की बात की। देखिए, हमने जो है आज के लगभग 5-6 साल पहले एक आरटीआई के माध्यम से कृषि विज्ञान दरियापुर से पूछा था कि आप खेती करते हैं तो गेहूं की जो फसल उगाते हैं उसको ऑडिट करते होंगे क्योंकि आपका सरकारी काम है, तो उन्होंने दिया और हमने पूछा था कि आपका गेहूं का लागत रेट क्या है, तब उन्होंने उस समय 27.29 रुपये बताया और उस समय की सरकार ने 12 रुपये कुछ पैसे सरकारी रेट तय किया, उस हिसाब से 15 रुपये प्रति किलो घाटा किसान को। अब अगर बताइए, अगर 1 किलो पर 15 रुपये का घाटा किसान सहे, 2019 में आपका चुनावी मुद्दा ये है कि जो लागत आती है कृषि उत्पादों पर उनका मूल्य सरकार को ईमानदारी से सीटू के हिसाब से तय करना चाहिए जिससे किसान सर्वाइव कर सके। और अगला मुद्दा आया हमारा 2019 का जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, और आनंद जी का ये मुद्दा था, हम उनसे चाहेंगे कि वो अपने मुद्दे को हमको समझाएं। आइए, वेलकम। समान शिक्षा प्रणाली कर लेता हो गया तो ना जी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही आपका मुद्दा है। बिल्कुल, जैसे आज के डेट में हमने देखा है पूरे भारत में गांव-गांव में देखा है अध्यापक आते हैं 11 या 12 बजे तो उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो कब आते हैं कब जाते हैं तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उसी तरह अगर पुलिस विभाग में चोरी होती है किसी व्यापारी की तो उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं है कि हाँ वो चोरी हुई क्यों। अभी इस साल में भैंसों की चोरी इतनी ज्यादा हुई, किसान उससे परेशान रहा और उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई कि हाँ या वास्तविकता इसकी जवाबदेही किसकी है। उसी तरह अदालतों में हमारा किसान जाता है, अदालत के चक्कर काट के चला आता है, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन कोई जवाबदेही सरकार ने नहीं तय की कि इसकी जवाबदेही किसकी है कि हाँ वो जा रहा है। और न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी है सरकार ने, बस खाली ये है कि किसानों को परेशान करने का काम किया। आनंद जी का कहना ये है कि सरकारी विभागों से लेकर और कोर्ट तक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, यदि अपराध बढ़ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार थानेदार हो, यदि न्याय लोगों को देर से मिल रहा है, मुकदमे पेंडिंग हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की हो। और एक मुद्दा बीच में रह गया, समान शिक्षा प्रणाली, अशोक जी का ये मुद्दा था और ये मुद्दा प्रस्तावित था शिवराम जी का, आप बताएं समान शिक्षा प्रणाली में क्या चाहते हैं। समान शिक्षा प्रणाली में जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, वो भी प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर दिया है लेकिन वो लागू आज तक नहीं हुआ है, तो इसको मुद्दा ये बनाया जा रहा है इसमें कि पार्टियां ये तय करें, जवाब दें कि मतलब हम अपने बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे और अफसरों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़े, तभी समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी, अन्यथा बड़े लोग अच्छी अच्छी नौकरियों पर पद पर पहुंचते रहेंगे और गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। समान शिक्षा 2019 में मुद्दा होना चाहिए और उसका शिवराम चौधरी जी ये आधार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा तो इस देश में नागरिक को आगे बढ़ने के अवसर ही बंद हैं। इसलिए जो 2015 अगस्त में हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने आदेश दिया है कि सरकारी धन से तनख्वाह पाने वाले कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे। और अगला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार जो है जो हो उस पर गंभीर हो और जनसंख्या नियंत्रण पर व्यापक कार्य योजना तैयार करे, इसके बारे में मुद्दा था बीके सिंह का। जनसंख्या नियंत्रण कानून
सरकार को अब जरूरत है, इस देश के लोगों को जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों के बेरोजगारी हो रही है, ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पा रहा और हर जगह लाइनें लग रही है। अब सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि सरकार जो भी गवर्नमेंट आए आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून पे इसको पास करे और भारतवर्ष के एक सर्वे करा के नागरिकों से पूछा जाए कि कितने बच्चे होना चाहिए अपने मन से न पास करें। अगर जय किसान आंदोलन जनता के मुद्दे के लिए प्रतिदिन आज से पूरे चुनाव में ये मुहिम चलाया है कि गांव-गांव जाकर, बाजार बाजार जाकर, चौराहे चौराहे जाकर हम जनता के मुद्दों को कलेक्ट करेंगे और राजनीतिक पार्टियों पर ये दबाव बनाएंगे कि वो अपने मुद्दे न लेकर जनता के मुद्दे बनाएं। आइए हम सभी लोग बोलें, देश मेरा, एक साथ, देश मेरा, वोट मेरा, मुद्दा मेरा, मुद्दा मेरा, जय हिंद, जय भारत। सभी को धन्यवाद।